अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान भी अच्छा गुजर रहा होगा। आज हम इफ्तारी में बना रहे हैं आलू की टिक्की। ये बहुत मज़ेदार होती है, बच्चे और बड़े इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आइए हम बनाते देखते हैं किस तरह बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें जो चीज़ें चाहिए वो है आधी कुटी धनिया, पुदीने की आधी कुटी, उसको हमने फिर अब दरमियान से थोड़ा थोड़ा काटा है, और 5-6 हरी मिर्चें, इनको बारीक काट लेना है। इसको शामिल करेंगे इसमें। 1 किलो आलू लिए हैं हमने, इनको हाथों की मदद से अच्छी तरह इस तरह पीस लिया है, बारीक कर दिया। अब हम पाउडर मसाले लेंगे, 1 चम्मच साबुत ज़ीरा, 1 चम्मच धनिया कुटा हुआ, 1 चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी, थोड़ी सी अजवाइन और 1/2 टीस्पून साबुत धनिया। अब हम इसको भी शामिल करते हैं। अब हम इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स करते हैं। हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है पाउडर मसाले और धनिया। अब हम इसमें 1 लीमू का रस निचोड़ते हैं, तकरीबन बड़ा लीमू है, 3 से 4 चम्मच इसमें रस के होंगे। अब इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह से। लीमू का रस हमने मिक्स कर लिया। अब हम 2 चम्मच इसमें चावल का आटा शामिल करते हैं, इससे आपकी आलू की टिक्कियाँ जो हैं वो टूटेंगी नहीं। मिक्स करते हैं, ये आप इस हिसाब से होगा कि आपके आलू में किस हद तक नमी है। आलू बॉयल करके रात को फ्रिज में रख दी थी, इसलिए काफ़ी हद तक इसकी नमी खुश्क हो गई है। मैं हम इसमें 3 से 4 चम्मच ब्रेड क्रम्ब से यूज करेंगे। सॉरी, मैं नमक डालना भूल गई थी। तकरीबन हम इसमें 1.5 चम्मच नमक का डालेंगे। ये देखिए, आलू में हमने सारा कुछ अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब हम टिक्कियां बनाते हैं। हाथों में हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, थोड़ा सा आटा लेंगे, जिस भी साइज में आपने बनानी है ये आपकी मर्जी है। देखिए, हमारी आलू की टिक्की एक तैयार हो गई है। बड़ी या छोटी आप अपनी मर्जी के मुताबिक तैयार कर सकते हैं, शेप भी अपनी मर्जी के मुताबिक दे सकते हैं। देखिए, नौकरी भी तैयार हो गई। इसी तरह हम बाकी तैयार कर लेंगे सारे। ये देखिए, आलू की टिक्कियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। अब हम इनको फ्राई करते हैं। हमारा ऑयल गर्म हो गया। अब हम इस तरह टिक्की को लेंगे आलू की और डालेंगे अंडे में और यहाँ पे रख देंगे। फ्लेम हमने मीडियम टू लो कर दिया है, बिल्कुल हल्की आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे ताकि हमारी अंदर और बाहर से दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए। इनको आप चावल के साथ ले सकते हैं, इफ्तारी में ले सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं।
हर चीज के साथ बहुत मजे की लगती है। दही की चटनी के साथ, केचप के साथ भी। अब हम इनको तक एक साइड से तकरीबन अच्छी तरह फ्राई होने देंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे हैं, क्योंकि आँच हमने बिल्कुल हल्की की हुई है। जब तक हम आलू की टिक्की को फ्राई करते हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें और कमेंट भी करें। और मीडियम आंच पे हमने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट फ्राई किया। ये एक साइड से अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है। अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं। ये देखें कितना प्यारा गोल्डन कलर आया। इसी तरह हम सबकी साइड चेंज कर लें। दूसरी साइड से भी हम इसी तरह गोल्डन होने तक पकाएंगे हल्की आंच पे। ये देखेंगे और हमारी चिकनियाँ दूसरी साइड से भी अच्छी तरह फ्राई हो चुकी हैं। अब हम फ्लेम ऑन ऑफ करते हैं, निकाल लेते हैं। ये देखें व्यूअर्स, हमारी टिक्कियाँ फ्राई हो गई हैं। ये कितनी मज़ेदार हैं, ऊपर से सख्त अंदर से बिल्कुल नरम है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।